नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कर्क राशि की बात करते हैं और जुलाई के महीने की बात करते हैं। बड़ी इमोशनल राशि है ये और बहुत ही चंचल राशि कहते हैं। जल्दी हंस देना, जल्दी रो देना, जल्दी दिल में लगा लेना बात को और बहुत तेज़ काम करना। क्या ऐसा ही है आपके साथ? क्या जुलाई के महीने में भी यही सब करना है आपको? हम बताएंगे आपको जुलाई के महीने में ऐसा क्या काम करना है जिससे ना जल्दबाजी हो, ना नुकसान हो, ना कोई परेशानी हो, ना आपको इमोशनल होना पड़े, यानी आपका दिल ना टूटे। और हम नहीं चाहते हैं कि आपका दिल टूटे, सीरियसली। हम चाहते हैं कि राशिफल को देख करके आप थोड़ा सा अवेयर होकर के अपनी चीज़ों में बदलाव कीजिएगा। यकीन मानिए, काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि आपको हो सकती है। कर्क राशि चतुर्थ भाव की राशि होती है। काल पुरुष की कुंडली का चतुर्थ भाव माता का भाव होता है, हमारी सुख सुविधाओं का भाव होता है। हम कितने अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, कितनी लग्जरीज हमें मिल सकती है, इन सब का भाव होता है। और ये भाव बहुत इमोशनल फैक्टर का भाव भी होता है, क्योंकि माँ से सीधा संबंध आता है कर्क राशि का। चंद्रमा की राशि है, चलिए देखते हैं कि चंद्रमा की राशि आपके लिए क्या कह रही है कि जुलाई के महीने में कहाँ रुकिएगा आप। स्वास्थ्य का, हेल्थ का खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि शनि का सीधा संबंध आपसे अष्टम में आ रहा है और आठवां भाव सडन है। सडन कुछ मिल गया, सडन बीमार हो गए, और शनि वक्रीय होने की, जो कि लंबी बीमारियों के कारक माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी कर सकते हैं। अचानक कोई एक खबर भी आपको मिल सकती है आपके काम के लेकर के, क्योंकि बहुत समय से आप कोई काम करना चाह रहे थे, या काम की प्लानिंग की थी, या फिर आपने कोई एफर्ट्स लगाए थे कि हम कुछ कार्य बदलना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। लेकिन लेकिन शनि है ना, रेट्रो हो रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आलस भी पैदा करके ले आएंगे। तो आलस मत कीजिएगा। अगर आपको कोई कॉल आ जाए काम की कि अरे आज नहीं, हम कल जा कर के बात कर लेंगे, तो कल फिर पता नहीं कितने कल निकल जाएंगे आपके। तो यहाँ थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा। अगर कोई काम आता है, इमीडिएट कॉल आती है, जस्ट एंटरटेन दैट कॉल, करिएगा बात, करिए उनसे, इमीडिएट रिएक्ट कीजिएगा, ताकि आपका काम आपके हाथ से ना निकले। पद उन्नति के योग है, यानी जहाँ आप कार्य करते हैं वहाँ भी आपको कुछ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ एक अच्छी सीट आपको मिल सकती है, कुछ अच्छा वर्क आपके ओहदे में आपको चेंज मिल सकता है। तो यहाँ भी आपका काफ़ी हद तक अच्छा होने वाला है। विदेश की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने प्लान किया होगा कि छुट्टियाँ हो रही हैं, चलिए थोड़े दिन घूम के चले आते हैं, चलिए हमने काफ़ी लंबे समय से कुछ ब्रेक नहीं लिया वर्क से, तो हम थोड़ा सा कहीं घूम करके आ जाते हैं, कहीं दूर यात्रा पर चले जाते हैं, या फिर विदेश ही चले जाते हैं। जाते जाते भी आपकी प्लानिंग जो है वो चौपट हो सकती है। तो यहाँ भी हम आपको एक उपाय बताएंगे, उस उपाय को कीजिएगा। अगर आपने प्लानिंग बहुत अच्छे से कर ली है, अब ये प्लानिंग आपके खतरे में ना पड़ जाए, तो हम चाहेंगे कि डेफिनेटली आप जाइए, घूम फिर करके आइए, थोड़े दिन ब्रेक लीजिए काम से, ताकि आप अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकें। जल्दबाजी में किसी भी तरीके का निर्णय अगर आप ले रहे हैं, तो वो ज़्यादा जल्दबाजी हो जाएगी, ज़्यादा नुकसान होने के भी चांसेस हैं, और बड़ा नुकसान झेलने की ताकत हर किसी में तो होती नहीं है। तो इसीलिए जल्दबाजी ना करें कि आप नुकसान के घेरे में आए। नुकसान से बचना है तो जल्दबाजी छोड़ दीजिएगा। कोई एक ऐसा वर्क आपको मिलेगा जहां आप लीडिंग करेंगे, लीड करेंगे, यानी कार्य में लीडर बनना। आपको ऐसा ओहदा मिल सकता है जहां पर आपको एक, हो सकता है कुछ समय के लिए मिले ये, लेकिन यहाँ प्रूव करके आप इस सीट को पक्की भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपके सीनियर कहीं जाना पड़ा, अचानक सडनली उनको जाना पड़ा और आपको वो वर्क संभालना पड़ा, लेकिन आपने जब 100% दिया तो सबकी नज़र में छा गए ना आप, तो आपको हो सकता है उसी काम के बिहाफ पर फिर, जो आपने कितने समय से कर रहे थे नहीं हो रहा था, लेकिन उसी इतने छोटे से स्पैम के चलते, इतने छोटे से टाइम के बीच में आप सबकी नज़र में छा गए।
तो ये एक संभावनाएं आपकी राशि में बन रही है। सरकारी अगर आपका कोई काम फंसा हुआ है, बहुत लंबे समय से कोई फाइल मूव नहीं हो रही थी, तो वो फाइल आपकी मूव हो सकती है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ में, हमने कहा ना कि आलस से बचिएगा, लापरवाही से बचिएगा। लापरवाही आपका नुकसान करा सकती है, आलस आपके काम आपको काम देने ही नहीं देगा। तो यहाँ आपको आलस को भी दूर रखना है, लापरवाह भी नहीं होना है। प्यार के मामले में आपका सामान्य रहने वाला है जुलाई का महीना, लेकिन जब हम भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य हमारे लिए कितना प्रतिशत जो है वो साथ दे सकता है, 58% भाग्य आपका जुलाई के महीने में आपका साथ देगा। रंग अगर हम बात करें तो नीले रंग का प्रयोग आप कीजिएगा, ब्लू कलर जितना ज़्यादा हो सके आप जुलाई के महीने में ब्लू कलर का इस्तेमाल कीजिएगा। लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, ब्लू के सारे वर्जन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनफैक्ट हम तो क्लोदिंग में कहेंगे कि आप क्लोदिंग में जो है ब्लू कलर का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। हम तो ये भी कहेंगे कि अगर आपके घर में बेडशीट्स हैं तो स्पेशली मत खरीदिएगा, लेकिन अगर बेडशीट है ब्लू कलर की तो ब्लू कलर की बेडशीट पर ही ज़्यादा सोइएगा जुलाई के महीने में, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको एक बहुत अच्छा आभास मिलेगा, आपको एक एनर्जी मिलेगी, कुछ करने की आपके अंदर एक अलग सी पावर आपको मिलेगी। तो जब हमें एक अलग सी पावर मिलती है तो हम काम करने लगते हैं। उपाय, कौन सा उपाय है जो आपको जुलाई के महीने में करना चाहिए? हर शनिवार को और मंगलवार को आपने चींटियों को रोस्टेड आटा डालना, रोस्टेड मीन थोड़ा भुना हुआ आटा, कच्चा आटा मत डालिए, भुना हुआ हल्का सा रोस्ट करके उसे ठंडा कीजिए, उसमें शुगर मिलाइए और वो आटा आप चींटियों को डालिएगा। एवरी ट्यूसडे एंड एवरी सैटरडे ये आप उपाय कीजिएगा। अगर किसी भी तरीके का कोई डिले हो रहा हो आपके काम में, वो डिले ख़त्म होगा। कोई एंजाइटी आपको तंग कर रही है वो दूर होगी, मन विचलित है मन शांत होगा और चिड़चिड़ापन आपके अंदर नहीं आएगा और धैर्य आएगा आपसे। तो ये सारी चीज़ें जब आ जाएंगी तो जुलाई के महीने के तो आप बेहतर बना ही लेंगे। तो जुलाई का महीना कर्क राशि वालों का तो ऐसा रहने वाला है, सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा जुलाई का महीना? एक्साइटमेंट हो रही है ना कि हमारी राशि में पता नहीं क्या क्या होने वाला। तो चलिए सिंह राशि वालों, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अगली राशि का करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।